तो इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, बता दें कि 15 सितंबर को रांची आएंगे भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा। 15 सितंबर को भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा रांची आने वाले हैं, वहीं पुणे से विशेष विमान में बैठकर पहुंचेंगे रांची बिरसा मुंडा एयरपोर्ट। तो एयरपोर्ट में ही बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ करेंगे बैठक और बैठक के बाद छत्तीसगढ़ के लिए रवाना हो जाएंगे। तो जशपुर से विजय यात्रा के दूसरे चरण की करेंगे शुरुआत। तो बता दें कि 15 सितंबर को भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा रांची आने वाले हैं और एयरपोर्ट पर ही भाजपा के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे और बैठक के बाद छत्तीसगढ़ के लिए रवाना होंगे और छत्तीसगढ़ के जशपुर से विजय यात्रा के दूसरे चरण की शुरुआत करेंगे। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं अंजनी। अंजनी, क्या लगता है कि जेपी नड्डा आने वाले हैं और इस पूरे बैठक में क्या कुछ अहम रहेगा? देखिए, जेपी नड्डा भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं और अब जिस तरह से चुनाव को लेकर पार्टी पूरी तरह से मुस्तैद है और इसी क्रम में वो छत्तीसगढ़ जाने वाले हैं और जब वो दिल्ली से चलेंगे ये जेपी नड्डा तो वो रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पहुंचेंगे और एयरपोर्ट में पहुंचने के साथ ही झारखंड के जो तमाम जो बड़े नेता हैं और पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बाबूलाल मरांडी वो रहेंगे और कई बड़े नेताओं के साथ वो एक मीटिंग करेंगे। दरअसल आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी राष्ट्रीय पार्टी है जो हर दिन चुनावी मोड में रहती है और कहीं भी कोई मतलब सभा हो रैली हो उसको लेकर तमाम तरह की जो रणनीति है उनकी रणनीति जो है वो देखने लायक होती है। देखिए, छत्तीसगढ़ में चुनाव होने वाला है और झारखंड के जो बड़े नेता हैं वो तमाम लोगों को जो है वहाँ चुनावी मोड में चुनावी प्रचार में लगाया जाएगा। इसी सिलसिले में वो रांची पहुँच रहे हैं और रांची से वो छत्तीसगढ़ यानी जशपुर के लिए रवाना होंगे। और दरअसल बीजेपी की जो ये सभा है यात्रा है उसका नाम दिया गया है परिवर्तन यात्रा। वहाँ चुनाव होने वाले हैं और चुनावी मोड में जब भारतीय जनता पार्टी आती है तो हर कोने में चुनावी प्रचार में जुट जाती है और उसमें अगल बगल के जो राज्य होते हैं उस राज्य के तमाम बड़े नेताओं का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो इसी क्रम में वो रांची आएंगे और रांची से छत्तीसगढ़ जाएंगे तो ये समझ सकते हैं कि पार्टी के लिए एक बड़ी रैली होगी और वहां अमित शाह भी पहुंचेंगे। एक तरफ जहां पर जेपी नड्डा का ये विजय यात्रा निकलने जा रहा है तो वहीं दूसरी तरफ राज्य में बाबूलाल मरांडी का भी ये संकल्प यात्रा चल रहा है, तो क्या लगता है कि इस पूरे संकल्प यात्रा को लेकर के भी जेपी नड्डा के द्वारा कुछ टिप्स दिए जाएंगे? देखिए, अभी बाबूलाल मरांडी की जो संकल्प यात्रा है उसे कुछ दिनों के लिए स्थगित की गई है क्योंकि उन्हें जो है छत्तीसगढ़ में चुनावी प्रचार में लगाया गया है और यही वजह है कि अभी उनकी संकल्प यात्रा में विराम चिन्ह लगा है। और जब बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पहुंचेंगे जेपी नड्डा तो बाबूलाल मरांडी से भी बातचीत होगी क्योंकि झारखंड में भी उनका एक जो संकल्प यात्रा चल रहा था उसमें अभी ठहराव आ गया है और उन्हें छत्तीसगढ़ में उनकी उपयोगिता के अनुसार तमाम जगहों में जो मंच साझा होगा वो बाबूलाल मरांडी भी करेंगे। तो हमें लगता है कि एक रणनीति के तहत बाबूलाल मरांडी भी एक कद्दावर नेता रहे हैं, पूर्व के केंद्रीय मंत्री रहे हैं और राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री भी रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि एक बड़ा चेहरा है, ट्राइबल चेहरा है और छत्तीसगढ़ एक ट्राइबल स्टेट, ट्राइबल की संख्या ज़्यादा है तो वहाँ इनकी इन्हें जो प्रचार में लगाया जाएगा तो ये पार्टी की एक बड़ी रणनीति होती है भारतीय जनता पार्टी की। और छत्तीसगढ़ में अमित शाह भी पहुँचेंगे तो जो परिवर्तन यात्रा की जो शुभारंभ होगी उसमें ये केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो है हरी झंडी दिखाएंगे। मतलब छत्तीसगढ़ में परिवर्तन को लेकर जो चुनावी प्रचार होगा, जनसभा होगी, उसमें तमाम तरह की जो रणनीति है उसके मास्टरमाइंड हम कह सकते हैं चुनाव को लेकर,
तो तमाम बड़े नेताओं का उसमें सहभागिता होगा। परिवर्तन यात्रा बीजेपी के द्वारा निकाली जा रही है, और क्या लगता है कि क्योंकि छत्तीसगढ़ में हमेशा से जो विपक्षी पार्टियां उनका ये गढ़ माना जा रहा है, तो इस परिवर्तन यात्रा से क्या कुछ प्रभाव आ पाएगा? देखिए, जब चुनाव के पहले कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जब रैली या सभा करती है तो जाहिर सी बात है कि अपनी बातों को वो जनता तक पहुंचाना चाहती है, और यही वजह है कि इसके इम्पैक्ट भी पड़ते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि परिवर्तन यात्रा को लेकर के वो जो तमाम जो वोटर हैं, उनके जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उनमें कितना इम्पैक्ट पड़ेगा। लेकिन एक बात जरूर कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी की सभा हो, रैली हो, यात्रा हो, उसकी जो रणनीति होती है वो काबिले तारीफ होती है, और यही वजह है कि कार्यकर्ता हो, प्रदेश के प्रभारी हो, प्रदेश के बड़े नेता हो, और जिस राज्य में चुनाव हो रहा है उसके अगल बगल तमाम जो बीजेपी के बड़े नेता हैं, सभी को इन्वॉल्व किया जाता है। तो ये हम कह सकते हैं कि इन चीज़ों में बीजेपी महारत हासिल की है, और हमें लगता है कि परिवर्तन यात्रा की जो शुरुआत है वो चुनावी मोड का एक पहला चरण होगा। जी बिल्कुल अंजनी, तो ये जो परिवर्तन यात्रा निकाला जा रहा है, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि छत्तीसगढ़ विपक्षी पार्टियों का एक गढ़ हमेशा से रहा है, तो जरूरी है कि इस यात्रा में जो मुद्दे उठाए जाए वो छत्तीसगढ़ के मूलभूत सुविधाओं से लेकर के उठाए जाए। तो किन मुद्दों को लेकर के बीजेपी इस बार ये परिवर्तन यात्रा निकालने जा रही है? देखिए, दरअसल जब वहाँ छत्तीसगढ़ में भी चुनाव होने वाले हैं और वहाँ कांग्रेस की सरकार है, तो यही वजह है कि तमाम चीज़ों को लेकर जिस तरह से सरकार, ये भारतीय जनता पार्टी चाहेगी कि वहाँ उनका जनाधार बढ़े, वहाँ विधायकों की संख्या बढ़े, तो उसी परिप्रेक्ष्य में तमाम चीज़ें हो रही हैं। देखिए, जब ये पहली जो आपने जो सवाल किया कि किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी, देखिए मुद्दे काफ़ी होते हैं। सबसे पहला जो भारतीय जनता पार्टी का जो चुनावी मुद्दा होता है भ्रष्टाचार को लेकर के, और जिस तरह से भ्रष्टाचार एक अहम मुद्दा होता है और कई अलग अलग घोटालों को लेकर भारतीय जनता पार्टी वहां आवाज़ उठाएगी, जन मुद्दों को लेकर आवाज़ उठाएगी, और सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ यदि जनता को नहीं मिला है, गाँव में रहने वाले अंतिम व्यक्ति को नहीं मिला है, तो ये तमाम मुद्दे होंगे। छात्रहित के मुद्दे होंगे, रोजगार का मुद्दा होगा, तो बीजेपी अपने पूरे रणनीति के तहत तमाम चीज़ें करती हैं। तो हमें लगता है कि भारत में या किसी भी राज्य में मुद्दों की कमी नहीं होती है, और भारतीय जनता पार्टी जानती है कि कैसे हमें मुद्दों पे चुनाव लड़ना है। तो अब देखना ये होगा कि भारतीय जनता पार्टी का। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए।